नॉर्मली आपने देखा होगा कि अब तक जो किसान खेती करता था वो मिट्टी के अंदर करता था। अपन जो भी फसल लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में पॉपुलेशन इतना बढ़ जाएगा कि उनको सबसे विश्व की सबसे बड़ी समस्या रहेगी फूड सिक्योरिटी। भाई हर आदमी को खाना मिलना चाहिए। अगर वो फूड सिक्योरिटी के लिए अगर अपने को काम करना है तो आने वाले समय में अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स, इसके अंदर बहुत सी जमीन जाने वाली है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि उपजाऊ लैंड जो है वो अपने को रहने वाली नहीं ज़्यादा करके। वैसे ही आने वाले समय में पानी कम होगा, एनर्जी का प्रॉब्लम शुरू होगा। तो ये अगर सारा देखते हुए अपने को नई नई तकनीक अभी से शुरू करने की जरूरी है। अभी आप यहाँ पर देखोगे कि मिट्टी के बिना खेती कैसे की जा सकती है। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स इसका मतलब मिट्टी के अलावा अपने को पानी के अंदर पौधा कैसे ग्रो कर सकते हैं। अपन यहाँ देखेंगे अभी कि फॉडर यूनिट, जहाँ अर्बन एरियाज में बहुत सी जगह पे एनिमल्स के लिए जैसे गाय है, भैंस है, इनके चारे की बड़ी समस्या होती है। अगर ये चारा अपन वर्टिकल फार्मिंग में अगर कर सकते हैं तो कितना अच्छा होगा। आप यहाँ देख सकते हो कि हमने एक मशीन बनाया हुआ है, उसके अंदर हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से सिर्फ पानी और खाद दे के चारे को कैसे बढ़ाया जाता है। पूरे हफ्ते भर की ये प्रोग्रामिंग किया हुआ है। आप सोमवार को अगर सीड डालते हैं इसके अंदर तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, नेक्स्ट डे सोमवार के दिन आप ये फसल निकाल के अपने गाय और भैंस और बैल इनको दे सकते हैं। इसके अंदर आर्टिफिशियल लाइट दी जाती है, उसको इरिगेशन दिया जाता है, इसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है, जिसको आर्द्रता अपन बोलते हैं। आप देख सकते हैं एक पौधे किस तरीके से ग्रो होते हैं। ये इसका रूट सिस्टम है, जो मूलिया होती है वो इस तरीके से ग्रो करती है। ये मशीन का उपयोग अपने को बड़ी बड़ी जो सिटी है जैसे बॉम्बे, पूना, इंदौर, भोपाल, जहाँ पे जो गाय, भैंस, बैल है, इनको चारे की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा जो बची हुई जमीन है चारे के लिए, जो अपन यूज करते थे, वो जमीन किसी उपजाऊ धान के लिए जैसे गेहूँ, हरभरा, इसके लिए अपन यूज़ कर सकते हैं, या फ्रूट क्रॉप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे केला है, नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, उसके लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो तकनीक है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक, ये आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल मानी गई है, जिसके कारण अपने को चारा और बाकी फल सब्जियाँ भी मिलती है। फलों में जैसे स्ट्रॉबेरी उगाया जा सकते हैं, ये अपन अगली इसमें देखते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि चारा कैसे उगाया जा सकता है, वैसे ही अपन यहाँ पर, ये भी हाइड्रोपोनिक्स है, ये मल्टी टीयर है बोलते हैं इसको, वर्टिकल फार्मिंग के अंदर आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मंजिला अपन सब्जियाँ यहाँ पे उगा सकते हैं, जैसे कि मेथी, पालक, लेट्यूस, वो उगा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये ब्राह्मी अपन ने अभी लगाया हुआ है, ये ब्राह्मी का देख सकते हैं यहाँ कैसे ये जो मूलियाँ है ये डेवलप हुई है। ये मूलियों को पानी और खाद इस पाइप के द्वारा दी जाती है, और इसका जो कंट्रोल है इसके लिए अपन ने एक ऑटोमेशन सिस्टम प्रोवाइड की हुई है, जहाँ पर अपन उसको नत्र, स्पुरत, पालाश और माइक्रोन्यूट्रिएंट ये पानी के थ्रू दिया जाता है। इसको विश्व में NFT सिस्टम कहा जाता है, जिसको न्यूट्रियन फिल्म टेक्नोलॉजी करके वो प्रख्यात है। आप यहाँ देख सकते हो कि कितनी यूनिफॉर्म तरीके का ये पौधा जो है ये ग्रो किया हुआ है, उगा हुआ है यहाँ पे। और इसके अंदर जब अपन सब्जियाँ लेते हैं, वो सारी सब्जियाँ, क्योंकि यहाँ मिट्टी का कोई भी संबंध आता नहीं है, उसके कारण यहाँ जो भी सब्जी उगाई जाती है वो डिसीज फ्री होती है। और इसके ऊपर जो स्प्रे का अपन छिड़काव करते हैं, वो दवाइयों का छिड़काव कम से कम लगता है, इसीलिए ये सब्जियाँ जो होती है ये अपने आरोग्य के लिए बहुत अच्छी होती है। आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑटोमेशन यूनिट है, इसके उपयोग से अपन इसको सही मात्रा में पानी और खाद दिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हो अलग अलग नलियाँ लगाई गई है, इसके अंदर अपन नत्र दे सकते हैं, इसके अंदर पालाश दे सकते हैं, इसके अंदर स्पुरत दे सकते हैं, इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट दे सकते हैं, और एसिड के जरिए इसका EC और PH मेंटेन करना पड़ता है। EC का मतलब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और पानी का PH, ये दो जो चीज़ें है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तकनीक के अंदर। तो इसका पूरा कंट्रोल यहाँ से किया जाता है, जब जब पौधों की जरूरत के अनुसार यहाँ से उसी मात्रा में पानी और खाद एक साथ छोड़ा जाता है, वापस उसको रिकलेक्ट किया जाता है,
उसको बाद में प्रोसेस करके वापस उसको इरिगेशन के लिए भेजा जाता है। तो ये सब चीजें जो है ये मशीन के द्वारा कंट्रोल की जाती है, इसको ऑटोमेशन तकनीक बोलते हैं, ऑटोमेशन फॉर इरिगेशन। अभी हम यहाँ वापस दूसरी एक जो तरीका है हाइड्रोपोनिक्स के अंदर वर्टिकल फार्मिंग। अभी यहाँ देख सकते हैं आप 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा मल्टी टीयर यहाँ पे अपन ये पौधा लगाया हुआ है। इसी तरीके से 10 मंजिला 20 मंजिला तक जा सकते हैं। इसके अंदर आप पालक लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं। आप देखो यहाँ पे ऊपर से पानी गिराया जाता है, उसके साथ खाद होता है, एक ट्रे के अंदर से दूसरे ट्रे के अंदर आता है, दूसरे ट्रे से तीसरे ट्रे के अंदर आता है, तीसरे से चौथे से आता है, और वापस ये पानी जो है या कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करके उसके अंदर जो बैक्टीरियल इम्प्यूरिटीज होती है वो निकाली जाती है यूवी फिल्टर के जरिए, और उसको वापस इसको इरिगेशन के लिए अपन यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर सही मात्रा में जो पौधों को लगने वाली है वो खाद इसके अंदर डाली जा सकती है। इसकी खासियत ये है, जैसे अभी आप यहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स है, बड़े बड़े होटल्स है, उनके लॉबी के अंदर ये तरीके का सिस्टम अगर लगाया जाता है तो अपन कम जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक इरिगेशन के लिए उसको सिंगल एक ही जगह पे इरिगेशन की व्यवस्था की गई है, ये ट्रे जाके वहाँ पे रुकता है, उसके अंदर खाद और पानी के थ्रू जो खाद मिलाया जाता है वो वहाँ पे डाला जाता है, और वो खाद ये पौधा लेके अपना ग्रो करता है। और इसी तरीके से अपन बहुमंजिला इमारत भी अपने सब्जी उत्पाद के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर विवेक दीक्षित है, मैं यहाँ बायोटेक लैब में एक बायोकेमिस्ट हूँ, पिछले 7 वर्षों से यहाँ कार्यरत हूँ। इस समय मैं एरोपोनिक्स, इस एरोपोनिक्स नाम की आधुनिक पद्धति पे काम कर रहा हूँ। एरोपोनिक्स पद्धति एक आधुनिक खेती की तकनीक है जिसका विकास नासा ने सर्वप्रथम किया अंतरिक्ष में पौधे उगाने के लिए। इस समय दुनिया भर में विभिन्न देश इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे उनको खेती करना, ज़मीन में खेती करना संभव नहीं है। इस तकनीक में जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पौधों को एक बंद सिस्टम में, एक क्लोज सिस्टम में पौधों को उगाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसमें पौधों का जो ऊपरी भाग है वो बेंच के ऊपर रहता है और उसका जो जड़ का सिस्टम है वो पौधों का उसके नीचे, बेंचेस के नीचे हवा में रहता है। एरोपोनिक्स इस पद्धति को हम इसीलिए बोलते हैं कि क्योंकि हवा में पौधे अपने पूरे लाइफ साइकिल में, अपनी पूरी जीवन प्रक्रिया पूरी करने तक वो हवा में ही रहते हैं, और हवा में ही हम पौधों को मिस्टिंग के ज़रिए, सूक्ष्म पानी की बूंदों के फवारे के ज़रिए हम उनको, उनका भोजन और उनको हवा प्रदान करते हैं। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पौधे बहुत अच्छी तरह से विकसित होते हैं, उनको बीमारियाँ नहीं लगती। जो बीमारियाँ पौधों को मट्टी में क्लोज बंद माध्यम में लगती हैं वो बीमारियाँ पौधों को इस एरोपोनिक्स में नहीं लगती, और पौधों को ऑक्सीजन मिलती रहती है। जैसे कि ऑक्सीजन हमारे लिए जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इसी तरह पौधों के लिए भी ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है। और जैसा मैंने अभी कहा, प्रकाश संश्लेषण बहुत प्रमुख प्रक्रिया है जिसके ज़रिए पौधे सूर्य की रोशनी लेकर के अपना भोजन बनाते हैं। और इस तकनीक की सबसे खास विशेषता यह है कि CO2 जो है एक बहुत ज़रूरी तत्व है ऑक्सीजन के अलावा, जैसे मैंने पहले कहा ऑक्सीजन की पौधों को, जैसे हमें जीवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, पौधों को भी सांस लेने के लिए और विकास के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। लेकिन हमारे कंपैरिजन में पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पौधे जो फूड चेन है, भोजन का जो चक्र है, उसमें पौधे सबसे ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। यही विशेषता उन्हें हम लोगों से, मनुष्य से ऊपर रखती है कि वो अपना भोजन खुद बना सकते, जो कि हमारे सिस्टम में संभव नहीं है। और ये भोजन बनाने के लिए वो जलवायु से हवा तथा पानी लेते हैं, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का उनको उपयोग, दोनों का वो इस्तेमाल करते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने के लिए। तो इस तकनीक की एक खास विशेषता ये भी है, जैसे ऑक्सीजन अवेलेबल है पौधों को बहुत प्रचुर मात्रा में, उनकी रूट जोन को जहाँ पे रूट्स लटक रही हैं हवा में, उसी तरह से पौधों को CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने के लिए। और इस पद्धति में जो कार्बन डाइऑक्साइड उनको अवेलेबल है वो ज़मीन या पानी की अपेक्षा में कहीं ज़्यादा उनको उपलब्ध है, इसलिए पौधों का विकास बहुत बेहतर होता है, वो जल्दी अपना भोजन बनाते हैं, वो जीवन चक्र अपना जल्दी पूरा करते हैं, और वो अच्छी फसल जल्दी हमको देते हैं जिसमें ना कोई संक्रमण लगता है ना कोई बीमारी लगती है।
यही इस पद्धति की सबसे प्रमुख विशेषता है। छोटे से एक माध्यम में भी इसको लगाया जा सकता है और जैसी सुविधाएं किसान के पास या जो करना चाहता है इस तकनीक को उसके पास उपलब्ध हैं, जितना उसके पास धन उपलब्ध है उसको करने के लिए, उसके अनुसार इस सिस्टम को डिज़ाइन किया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है। फिलहाल इस तकनीक का उपयोग हम यहाँ आलू उगाने के लिए कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे आसपास ये आलू के पौधे हैं जो बहुत अच्छी तरह से विकसित हो रहे हैं। कैसे पौधे जो है हवा में, उनका जो उनकी पत्तियाँ और उनका तने वाला भाग हवा में ऊपर है और कैसे उनकी जो जड़ें हैं वो नीचे हवा में लटकी हुई हैं और उसमें आलू विकसित हो रहे हैं अच्छी तरह से, जो कि बहुत बहुत स्वस्थ हैं, उनमें कोई बीमारी नहीं है और बहुत तेज़ी से बड़े होते हैं। ये आप इस पद्धति में देखेंगे और मिस्टिंग के ज़रिए, फवारे के ज़रिए हम उनको नीचे से उनको भोजन, पानी के माध्यम से भोजन दे रहे हैं। यही इस तकनीक की, एरोपोनिक्स तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ पे हम इस एरोपोनिक्स पद्धति का उपयोग, जैसा कि आप देख सकते हैं, आलू की खेती के लिए कर रहे हैं, लेकिन आलू ही नहीं और भी ज़मीन में होने वाली जितनी फसलें हैं जैसे गाजर, प्याज, चुकंदर, और सिर्फ ज़मीन के नीचे होने वाले ही फसलें नहीं, हम ज़मीन के ऊपर जो होने वाली सब्जियां हैं उनको भी इस तकनीक का उपयोग करके बहुत अच्छी तरह हम उगा सकते हैं। जैसे बैंगन, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, पालक, आप पालक खाते होंगे, लेट्यूस, कोई भी सब्जी या फल का नाम लीजिए, वो सब हम इस पद्धति के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से उनकी पैदावार कर सकते हैं, जो बहुत स्वस्थ होंगी और जो बहुत प्रचुर मात्रा में हमें मिलेंगी और उनका जीवन चक्र भी भूमि में पैदावार की अपेक्षा अधिक मात्रा में उनका होगा, जिससे हमको कम समय में हमको मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लाभ, हमको जो भी हम लागत इसमें लगाएंगे उससे दुगने से तिगुना हमको जो है लाभ कम समय में प्राप्त होगा इस तकनीक, इस पद्धति को इस्तेमाल करके। ये इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता है।